नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC बेसिक पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है हॉर्स पाइप नोजल, यानी कि हॉर्स पाइप निपल। यदि हॉर्स पाइप निपल हमें बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, उसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग को बता दूँ कि हॉर्स पाइप क्या होता है और ये हॉर्स पाइप का निपल क्या होता है। जिस तरह के आप लोगों ने अपने घर के किचन में देखा होगा कि गैस सिलेंडर से जो पाइप निकलता है वो हॉर्स पाइप ही होता है। इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का हॉर्स पाइप हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग यदि हाइड्रोलिक मशीन चलाए होंगे तो उसमें एक अलग तरह का पाइप यूज़ किया जाता है, वो पाइप हॉर्स पाइप ही होता है। हॉर्स पाइप ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर को बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हॉर्स पाइप को यूज़ करते हैं। हॉर्स पाइप में 3 या 4 लेयर होता है, जो कि ये आसानी से न लीकेज होता है और न फटने का डर होता है, इसलिए हम हॉर्स पाइप का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हॉर्स पाइप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हॉर्स पाइप में ये जो निपल है, ये निपल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ये निपल इसलिए यूज़ करते हैं कि एक हॉर्स पाइप को दूसरे हॉर्स पाइप में कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग बीच में यूज़ करते हैं वो निपल होता है। जैसे कि आप लोगों ने अपने घर के किचन में जो गैस सिलेंडर से जो पाइप निकलता है वो गैस चूल्हा में कनेक्ट होता है, वो एक अलग तरह का निपल होता है, उसी निपल में वो पाइप कनेक्ट होता है, तो इसीलिए इस निपल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि जब भी निपल आप लोग देखिएगा तो इस तरह से उभर हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है वो 3 या 4 आपको देखने को मिलेगा, मगर मैं आप लोग के सामने सिर्फ 2 ही लेकर के आया। इसलिए यदि 2 कैलकुलेशन आप लोग को बतला देता हूँ, इसका मतलब 3 या 4 या 5 चाहे जितना भी लो, आप इसके अनुसार उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही रेडियस आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉइंग आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसका डायर 10 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 10 दिया हुआ। यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 15 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ नहीं दिया हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका डायर 20 दिया हुआ और इसका रेडियस 15 है, इसका भी रेडियस 15 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए इसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये अपना सेंटर पॉइंट होता है, आप लोगों को पता है। अब ये अपना सेंटर पॉइंट होता है, अब यहाँ पे देखिए इसका डायर 20 दिया हुआ है। ठीक है, इसका डायर 20 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको डॉटेड लाइन करके जब यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन दे करके यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, और ये सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक यदि एक लाइन ड्रॉ करें तो आप लोगों को पता है कि सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल बैलेंस का जो भी लाइन टच करे वो रेडियस के बराबर ही होता है। यानी कि आप लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि अपना रेडियस 15 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट 10 हो जाएगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि ये डायर 20 दिया हुआ, तो हाफ यानी कि हाफ इधर 10 होगा, हाफ इधर 10 होगा, यानी कि ये 10 और ये 10 दोनों मिलकर के 20 हो जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक इसका ये 20 टोटल हो गया। और चूंकि आप लोगों को पता है कि ये रेडियस 15 का दिया हुआ, रेडियस 15 है, यानी कि इसका टोटल डायर कितना हो जाएगा, 30 होगा। ठीक है, तो जब ये 10 है तो यहाँ पे बचा कितना, 5 होगा, क्योंकि देखिए 10 और 5 15, यानी 15 का डबल करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 10 किस तरह से और ये 5 किस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंगल को हम लोग बाहर में ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ट्रेंगल यहाँ पे हम लोगों ने बाहर में ड्रॉ कर लिया, इसमें नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो भुजा है इसका डायमेंशन यहाँ पे 15, ये 15 किस तरह से है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बतला दिया, ये 15 है और ये 10 है, ये 10 किस तरह से है ये भी आप लोगों को कैलकुलेट करके बतला दिया, ये 10 किस तरह से है। अब उसके बाद AB हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बतलाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम होता है कि लंबी भुजाओं का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर वैल्यू, यानी कि लंबी भुजा ये है AC है, AC का वैल्यू 15 है, यानी 15 का स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू AB स्क्वायर, AB का वैल्यू नहीं पता है इसलिए AB का स्क्वायर कर दिया, प्लस 10 स्क्वायर, 10 यानी कि ये BC का वैल्यू 10 दिया हुआ इसलिए 10 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, इक्वल टू का साइन दे दिए,
ए बी स्क्वायर ए बी जैसे वैसे करते हैं, क्योंकि ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता, उसके बाद प्लस 10 स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अब देखिए बीच में इक्वल टू है, इस साइड में 100 है, 100 इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब 100 इस साइड में आएगा तो माइनस हो गया, यानी 225 में 100 को माइनस कर देंगे तो 125 हो जाएगा, 125 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये जैसे ए बी है वैसे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट देते हैं, ठीक है, अंडर रूट देते हैं, यानी कि अब ए बी का वैल्यू हो गया अंडर रूट 125, ठीक है। और जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसका वैल्यू होगा 11.180 इक्वल टू एन, यानी कि ए बी का वैल्यू हो गया 11.180, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी जो लिखा हुआ, ये ए बी कौन सा है, यहाँ पे देखिए ए बी ये है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11.180, ठीक है। और ये वैल्यू कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हमें रेंज मिल गया 11.180, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चूंकि ये रेडियस 15 का दिया हुआ, यानी कि यहाँ से टॉप तक जाएगा ये आर 15, यानी कि जेड में 15 जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अभी हम लोगों ने रेंज इसका कैलकुलेट किया था 11.180, ठीक है, यानी कि 15 में 11.18 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 11.180 प्लस 15 को ऐड कर दिया, जब इसको ऐड किया तो 26.180 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अपना टोटल लेंथ हो जाएगा 26.186, यानी कि ये जो इसका जो लेंथ होगा 26.180, ठीक है दोस्तों। ऐसा करता हूँ ये कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्यू को जाने के लिए फिर यहाँ से लेंथ दिया हुआ 50, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे रेडियस दिया हुआ, ठीक है, ये रेडियस दिया हुआ, यानी कि आर 15 का रेडियस दिया हुआ। अब देखिए ये जो रेडियस आर 15 है, जो सर्कल दिखाई दे रहा है, इसी सर्कल को हम यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि इसका डायर 20 दिया हुआ, यानी कि डॉटर लाइन ड्रॉ करो यहाँ तक अपना डायर 20 है, तब देखिए ये जो आप लोगों को रेडियस दिखाई दे रहा है, रेडियस यानी यहाँ पे बड़ा 15 का सर्कल बना है, ठीक है। अब देखिए ये अपना सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, ये अपना सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, यानी कि सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक कोई भी लाइन टच करेगा वो रेडियस के बराबर ही होगा। लेकिन हम लोगों को ये यहाँ से दे दिया सेंटर लाइन इस तरह से जा रहा है, ये 20 है, यानी कि इधर 10 हो जाएगा, इधर भी 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बचा कितना, 5 बचा, 5 क्यों बचा, क्योंकि आर 15 का रेडियस दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 डाया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ, 10 बचा 5, यानी कि 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, यानी 15 का डबल करेगा तो यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 10 किस तरह से है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक एक लाइन यदि ड्रॉ करें, ये लाइन यहाँ तक, यानी कि ये भी रेडियस का बराबर होगा और अपना रेडियस 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रेंगल बन गया, इसी ट्रेंगल को यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए बड़ा करके ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक अपना ले 10, और ये 10 किस तरह से है अभी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। ये 10 है और यहाँ से यहाँ तक इसका डायमेंशन दिया हुआ 15, ठीक है। फिर यानी कि यदि ये ट्रेंगल हो गया, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे सेम यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक वैसे ही अप्लाई करेंगे, यानी कि लंबी भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी कि लंबी भुजा क्या है, लंबी भुजा 15 है, यानी 15 का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग होता है, यानी दोनों छोटी भुजा क्या है, पहला ए बी है, ए बी का स्क्वायर करती है, प्लस बी सी है, बी सी का वैल्यू नहीं पता इसलिए जैसे है वैसे करती है। अब देखिए 15 का स्क्वायर किए तो 225 आया, इक्वल टू 10 का स्क्वायर किए तो 100 आया, प्लस बी सी जैसे है वैसे लिखती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये 100 उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 225 में 100 को माइनस करेंगे तो 125 हो जाएगा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी है, बी सी ने स्क्वायर किया हुआ, स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर अंडर रूट दिए, अंडर रूट यानी कि बी सी का वैल्यू हो गया 11.180, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम लोगों ने ट्रेंगल बनाया था, ये जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है,
यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का इसका लेंथ हो गया 11.180। ठीक है दोस्तों, जब ये लाइन सेंटर में है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस 11.180 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 11.180 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन सेंटर में है। अब ये 11.180 और ये 11.180, यानी कि 11.180 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 11.180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 22.36। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें मिल गया 22.36, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये होगा 22.36। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सब वैल्यू हमें मिल गया। यहाँ पे देखिए, ये 10 मिल गया, ये 26.18 मिल गया और ये 22.36 मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब यहाँ पे सारे वैल्यू हमें मिल गए। अब इसी वैल्यू की मदद से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे x का वैल्यू 10, यानी कोऑर्डिनेट सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये 1, 2 इसको हटा करके इसको 3 कर देते हैं, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 10 होगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट भी होगा, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 1 में x का वैल्यू 10 हो गया और z का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 1 से कोऑर्डिनेट नंबर 2 को जाने के लिए x का वैल्यू 10 रहेगा, क्योंकि x में कोई चेंज नहीं हो रहा, और z का वैल्यू -10 होगा, -10 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ दिया हुआ 10, और जो भी क्योंकि टूल अंदर की तरफ जा रहा है, जब टूल अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर वैल्यू माइनस में होगा, यानी कि -10 हो जाएगा। ठीक है, अब टूल कोऑर्डिनेट नंबर 2 पर पहुँच गया। कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पर जाने के लिए x का वैल्यू 20 होगा। क्यों 20 होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका डायरेक्ट 20 दिया हुआ। ठीक है, और z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36.180। 36 कैसे होगा? जैसे देखिए, ये 10 है और ये 26.180 है। ये 26.180 किस तरह से ऑलरेडी आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दिया, यानी कि 26.180 में 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36.180। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपन कोऑर्डिनेट नंबर 3 को पहुंच गया, और कोऑर्डिनेट नंबर 3 से कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जाने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू 20 ही रहेगा, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 4 में x का वैल्यू 20 रहेगा और z का वैल्यू -51.180 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 36.180 टूल जा चुका था, उसमें और 15 ऐड कर दिया, तो 36.180 में 15 ऐड किया तो हो गया 51.180। ठीक है दोस्तों, इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 4 में z का वैल्यू -51.180। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट, यानी कि टूल कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर जा चुका, अब कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पर जाने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू 20 ही रहेगा, क्योंकि इसका डाया और इसका डाया दोनों सेम है, इसलिए x का वैल्यू 20 रहेगा और z का वैल्यू 22.36 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि टूल ऑलरेडी -51.180 जा चुका है, उसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे 22.36, यानी कि 22.36 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 73.540। इसलिए कोऑर्डिनेट नंबर 5 में x का वैल्यू 20 ही रहेगा और z का वैल्यू -73, यहाँ पे 73 होगा, -73.54। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। उसके बावजूद भी यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।